सुरक्षित नहीं, नहीं। अभी नो मोदी जी तो दोबारा नहीं आना चाहिए यहाँ। हर मोदी कोई इसका बात का भरोसा नहीं है। मोदी ऐसा धोखा दे दिया पब्लिक को, हर आदमी को रुला दिया है। हटाना चाहते, चोर आया, गद्दार आया है, देश के बर्बाद कर दिया। नया प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं गठबंधन का, नजर बुरे नजर से देख रहे हैं। अभी इतनी असुरक्षित नहीं, नहीं। अभी नो मोदी जी को दोबारा नहीं आना चाहिए यहाँ। मोदी जी जो कार्य किए हैं, झूठा झूठा बोलते हैं, झूठा वादा दिए हैं गरीबों को, बताओ हमारे और वो सब जान चुका है। इस बार कोई मोड़ पर काम, सब गरीबों को धोखा दिया, हर मोड़ कोई इसका बात का भरोसा नहीं है। मोदी ऐसा धोखा दे दिया पब्लिक को, हर आदमी को रुला दिया है, किसी है उसका कोई भरोसा नहीं। अब भरोसा उसका हम लोग नहीं है, हम लोग अपना सपा बसपा गठबंधन है, हम लोग इसमें चलेंगे, हम लोग उसी को चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं। चोर आया, गद्दार आया है, देश के बर्बाद कर दिया है। हमारे देश का आज ऐसा क्या, आज तक यह पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला हमारे देश को कि जो हमारे देश को जुमला झूठ फॉरेब यही सिखाया। पांच साल विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, लोगों को 5 साल गुमराह किया गया है। भरोसा है, लेकिन रह गई बात, कहीं कहीं काफी जगह ऐसा हुआ है। इससे पहले मैं आजमगढ़ में मतदान दे के आया हूँ और कुछ ऐसी खराबियां पाई गई है जिसके आधार पर हम कोर्ट गए हुए हैं। जैसा कोर्ट फैसला करेगा, कार्यकाल को सरकार किसी काम का नहीं है, नुकसान सर। तो एबीएम में गड़बड़ी कारण किस लिए बैंक का पासा कंप्यूटर द्वारा गायब हो, उसी समय मैं ईवीएम खराब है, नहीं बैलेट पेपर पर यही लोग देखना चाहते, प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं गठबंधन का, गठबंधन के साथ है जी। जब मोदी जी ने हम लोग गरीब से गरीब बना दिए, गरीब से गरीब, जितना रोजगार धंधा हम लोग गरीब करते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद कर दिए, हम बैठ करके थोड़ा बहुत मजदूरी करके खा जी रहे हैं। जो बाल बच्चा हम लोग का काम करते वो कंपनी बंद हो गई, तो हम लोग मोदी जी को क्या समझे। लेकिन वो गरीबों और बैकवर्ड के लिए काम नहीं किया गया, देश के मोदी जी ने 5 सालों में कुछ काम विकास के काम किया नहीं है, जनता को बस बहकाया गया है। नहीं नहीं, ईवीएम तो चीटिंग किया जा रहा है, ईवीएम में धोखाधड़ी का खेल हो रहा है। बनारस की जनता मोदी जी को छोड़ चुकी है, बनारस की जनता गठबंधन को सरकार इस बार बनाने जा रही है जी। सरकार बनेगी, मोदी जी कह रहे हैं कि बनारस में बहुत काम किया उन्होंने, घाटों के लिए काम कुछ काम नहीं है। अखिलेश यादव जी का काम बोलता है, मोदी जी का नाम बोलता है। अच्छा, तो शालिनी यादव इस बार जीतने वाली है। जी जी जी, कंफर्म इनकी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, बनारस की पूरी जनता अखिलेश यादव मायावती जी के साथ है। मोदी ने गठबंधन से इस बार महापरिवर्तन होगा पूरे देश में, गठबंधन की लहर नहीं सुनामी चल रही है इस समय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।